फ्रेंड्स, सर्दियों में मक्के के आटे के रोटी पराठे तो हम सभी खाते हैं और सबको पसंद भी आते हैं। तो एक बार आप लड्डू बना के खा के देखिए, ये लड्डू बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनते हैं और ये मैंने मक्के के आटे से बनाए हैं और बहुत ही कम समय में ये बन भी जाते हैं। तो चलिए लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी मक्के के आटा लिया है और आधा कटोरी गेहूँ का आटा और आधी कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने तिल लिया है वाइट वाला और 4 बड़े चम्मच घी और 1 कटोरी मैंने भूरा लिया है और नारियल का भूरा लिया है मैंने यहाँ पे आधी कटोरी और ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम लिया है। तो सबसे पहले हम आटे को भूनेंगे। तो यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई गर्म हो चुका है, उसमें हम मक्के के आटे को पहले भून लेंगे। कढ़ाई में घी या तेल कुछ भी नहीं डालना है, ऐसे ही पहले आटे को भून लेना है। तो लगातार चलाते हुए इसका कलर चेंज होने तक आटे को हमें भूनना है और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, नहीं तो आटा जल जाएगा और कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ मक्के का आटा भून चुका है, अब हम गेहूं का आटा भून लेंगे। तो गेहूं का आटा भी हम सेम ऐसे ही भूनेंगे कलर चेंज होने तक। तो इसमें अच्छी खुशबू आ रही है और ये भून के बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम तिल को भी भून लेंगे। तो तिल भी बहुत जल्दी भून जाता है, इसको भी कलर चेंज होने तक भून लेंगे। तो तिल हमारा भून चुका है, अब इसको भी हम निकाल लेंगे। साथ में हम बादाम को भी भून लेंगे और इसको भून के हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे दरदरा। तो इधर बादाम भी हमारा भून चुका है, निकाल लेंगे। तो यहाँ हम बादाम को ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ मैं 3 साबुत इलायची डाल रही हूँ और बादाम, इसको डाल के हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने मक्के का आटा रखा है बड़ी सी थाली में, उसमें गेहूँ का आटा भी डाल देंगे और साथ में हम तिल भी डाल देंगे और ये ग्राइंड किया हुआ बादाम, इसको भी डाल देंगे। आप अपने पसंद से और भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और ये नारियल का भूरा आधा मैं डाल ली हूँ, आधा लड्डुओं को कोटिंग करने के लिए रख दूँगी और भूरा भी इसमें डाल देंगे। जैसा आपको मीठा पसंद हो आप भूरा डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने घी को मेल्ट कर लिया था और घी को भी हम डाल देंगे और इसको चला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और ये हल्का गर्म है। अब इसका हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लड्डू बहुत ही कम समय में बन के तैयार होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप भी सर्दियों के मौसम में लड्डू ज़रूर बनाइए, सबको पसंद आता है। तो ऐसे ही करके हम सारे लड्डुओं को बना लेंगे। आपको जैसा शेप पसंद हो, बड़ा छोटा आप करके बना सकते हैं। तो ऐसे मैं छोटे छोटे करके सारे लड्डुओं को बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे लड्डुओं को बना लिया है और ये जो नारियल का भूरा मैंने बचाया था, इसमें हम इसको कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग करने से बहुत ही सुंदर दिखेंगे लड्डू और साथ में बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। तो ऐसे करके सारे कोटिंग कर लेंगे लड्डुओं पे नारियल का भूरा। तो देखिए लड्डू हमारा बनके तैयार है। ये कितना टेस्टी और हेल्दी है हम सभी जानते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए, खाइए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।